नमस्ते फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारा ऊन जो है थोड़ा थोड़ा करके बच गया था, तो मैंने एक ऊन जो है ज़्यादा से करके लिया और यह सुंदर सा डिज़ाइन तैयार किया। और आशा करती हूँ कि आपको मेरा डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इस तरीके का टिक्की तैयार करेंगे। आप चाहे तो एक रंग के ऊन से भी तैयार कर सकते हैं या फिर बहुत सारे रंग के ऊन से भी आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने 4 प्लाई मोटा वाला ऊन लिया है और क्रोशिया हुक का साइज़ 4 mm है। तो इसके लिए हम सबसे पहले 6 चैन तैयार करेंगे। तो ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। सबसे पहला वाला जो चैन है उसमें हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा छोटा सा रिंग तैयार हो गया। अभी हमें रिंग के अंदर टोटल 12 पफ स्टिच तैयार करना है। तो सबसे पहला वाला जो पफ स्टिच तैयार करेंगे, इसके लिए हम पहले 3 चैन तैयार करेंगे और फिर हम इसमें पफ स्टिच बनाएंगे। तो क्रूस में फंदा लेंगे, रिंग के अंदर डालते हुए फंदे को हम 2 बार इस तरीके से निकाल लेंगे, फिर सभी को एक साथ हम लॉक करके इसमें 2 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 1 पफ स्टिच तैयार हो गया। इसके बाद इसमें हम 2 चैन लगाएंगे और फिर से हम पफ स्टिच तैयार करेंगे। टोटल हमें 12 पफ स्टिच तैयार करना है। एक हमने तैयार कर लिया, 11 और हम तैयार कर लेते हैं। दूसरे वाले पफ स्टिच जो हम बनाएंगे, इसमें हम 3 बार फंदे को निकालेंगे। तो ये हमारा पफ स्टिच तैयार हो गया। फिर से हम 2 चैन बनाएंगे और हम तीसरा पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। तो ऐसे ही हमें टोटल 12 पफ स्टिच तैयार करना है। बीच बीच में हम 2 चैन लेंगे, तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हमें पफ स्टिच बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आता है क्योंकि हमें छोटे से रिंग में ही 12 पफ स्टिच तैयार करना है। तो हम इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए सटाते हुए पफ स्टिच बनाते जाएंगे, तो हमारा अच्छे से 12 पफ स्टिच जो है इसमें आ जाएगा। तो ये हमारा टोटल 12 पफ स्टिच तैयार हो गया। हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था, तो ठीक इसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और फिर पीछे की तरफ हम क्रूस की मदद से ऊन को इस तरीके से अंदर कर लेंगे। फिर हम दोनों ऊन को अच्छे से बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा सुंदर सा टिक्की तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें टिक्की तैयार करते जाना है। तोरण में मैंने टोटल 80 टिक्की लगाया है। तो पूरा टिक्की बनने के बाद इसे हम जोड़ेंगे। जोड़ने से पहले हम सबसे पहले टिक्की को एक जगह रख कर देख लेंगे कि कौन सा कलर का टिक्की कहाँ जाएगा, उसके बाद इसे हम जोड़ेंगे। सबसे पहले हम पहला लाइन बनाएंगे। तो पहले लाइन में मैंने टोटल 11 टिक्की जोड़ा है। तो पहला लाइन का हम पहला टिक्की अभी जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से पहले हम ऊन को टिक्की में जोड़ेंगे। 2 पफ स्टिच के बीच में जो चैन है, ये वाला चैन, इसके बीच में इसे हम जोड़ लेंगे। ऊन हमारा अच्छे से जुड़ गया। अब हम यहाँ पर 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया को मिलाकर हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा 3 चैन हो गया। क्रूस में हम फंदा लेंगे और चैन के अंदर डालते हुए निकालेंगे, फिर से फंदा लेंगे, 3 का 2 करेंगे, फिर से फंदा लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। तो ये हमारा टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 2 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 1 और ये 2। इसके बाद वाले चैन के बीच में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3। फिर से हम 2 चैन लगा देंगे। ये हमारा 1 और ये 2
और हम फिर से 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। इसके बाद इसमें हम 8 चैन लगा देंगे। ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। जैसे हमने इस तरफ बनाया था 3 डबल क्रोशिया 2 चैन 3 डबल क्रोशिया 2 चैन 3 डबल क्रोशिया, उसी तरीके से हम फिर से यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो पहले हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद इसमें हम दूसरा टिक्की को जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम फिर से यहाँ पर पहले 8 चैन तैयार कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर बनाया था। तो यहाँ पर हम 8 चैन बना लेते हैं। तो ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। इसके बाद इसमें हम दूसरा टिक्की को जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम टिक्की का पीछे की तरफ उल्टा तरफ जो है, ये हमारा उल्टा तरफ है, इसको हम इस तरीके से रखेंगे। दोनों टिक्की का उल्टा तरफ जो है एक साथ रहेगा। ये हमारा दोनों तरफ जो है उल्टा है, इसे हम इस तरीके से पकड़ेंगे और इसके बाद इसे हमें जोड़ना है। तो अभी हम 2 पफ स्टिच के बीच में जो हमारा चैन है उसके बीच में हम पहले 3 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया, और ये 2 डबल क्रोशिया, और ये 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद हम चैन के साथ इसे हमें जोड़ना है। तो पीछे वाले टिक्की के चैन के बीच में क्रूस को डालेंगे, ऊन को बाहर करेंगे। तो ये हमारा 1 चैन हो गया और इसमें हम 1 चैन लगा देते हैं। तो फिर ये हमारा 2 चैन हो गया और फिर से हम आगे वाले टिक्की के बीच में 2 पफ स्टिच के बीच में 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से हम पीछे इसे इस तरीके से यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये हमारा 1 चैन हो गया और ये 2 चैन। फिर हम आगे की तरफ, जो आगे वाला हमारा टिक्की है, यहाँ पर हम 2 पफ स्टिच के बीच में 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो इस तरफ भी हमारा 3 डबल क्रोशिया 3 बार हो गया 2 चैन के साथ। इसके बाद पीछे जो हमारा 8 चैन है, ये वाला चैन, इसके बीच में हमें जोड़ना है। तो हम 4 चैन करते हुए जोड़ लेंगे। तो ये हमारा 2 टिक्की जो है आपस में जुड़ गया। इसके बाद हम दूसरे वाले टिक्की में भी फिर से 3 डबल क्रोशिया 2 चैन 3 डबल क्रोशिया 2 चैन 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे, जैसे कि हमने पहले बनाया था। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2 और ये 3। फिर हम 2 चैन लगाएंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 2 चैन लगाएंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 2 टिक्की जो है आपस में जुड़ गया। और बस इसी तरीके से हमें टिक्की को जोड़ते हुए पहला लाइन तैयार करना है। तो यहाँ पर हम फिर से 8 चैन बनाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ बनाया था। 3 बार 3 डबल क्रोशिया 2 चैन के साथ, फिर 8 चैन, फिर 3 बार 3 डबल क्रोशिया 2 चैन के साथ, फिर 8 चैन लेकर के हमने टिक्की को जोड़ा था। तो फिर से हम यहाँ पर 8 चैन लगाएंगे और उसके बाद हम 3 डबल क्रोशिया 3 बार बनाएंगे 2 चैन के साथ। तो मैं आपको पूरा वहाँ तक बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा 8 चैन तैयार हो गया।
इसके बाद हम तीसरा टिक्की को जोड़ लेंगे, जैसे हमने दूसरा टिक्की को जोड़ा था ठीक उसी तरीके से हम टिक्की को जोड़ते जाएंगे। तो ये हमारा एक लाइन जो है तैयार हो गया। एक लाइन में मैंने टोटल 11 टिक्की जोड़ा है। अब हम दूसरा लाइन तैयार करेंगे। सबसे लास्ट वाला जो हमारा 11 वाला टिक्की है, तो उसके आगे हमें टिक्की को नहीं जोड़ना है, तो इसीलिए इसमें हमें बस 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया इस तरीके से लास्ट तक तैयार करना है। तो ये हमारा लास्ट तक डिज़ाइन तैयार हो गया। इसके बाद ये जो हमारा 8 चैन है, इसके बीच में हम 4 चैन करते हुए जोड़ देंगे। तो पहले हम यहाँ पर 4 चैन लगाएंगे और बीचों बीच इसे हम इस तरीके से लॉक करके फिर से हम इसमें 4 चैन लगा देंगे। तो टोटल हमारा 8 चैन हो गया। और इसके बाद हम इसके ऊपर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया 2 चैन के साथ बना लेंगे और इसके बाद फिर से हम 8 चैन के बीच में 4 चैन के साथ जोड़ेंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरा यहाँ तक तैयार करना है। तो मैं आपको यहाँ तक बना के दिखाती हूँ। और इसके बाद यहाँ पर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया 3 बार 2 चैन के साथ तैयार करेंगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। यहाँ हमने 3 बार 3 डबल क्रोशिया 2 चैन के साथ बनाया और उसके बाद हमने 8 चैन तैयार कर लिया। तो ये हमारा पहला लाइन तैयार हो गया। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसे आप तोरण पट्टी के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम दूसरा लाइन तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम किनारे से जोड़ना शुरू करेंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो यहाँ हमने 8 चैन लगाया था, अब इसके ऊपर हम इस तरीके से टिक्की को हमें जोड़ना है। फिर से हम इस तरीके से पीछे की तरफ दोनों टिक्की को हम जोड़ेंगे और इसके बाद इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम आगे वाले टिक्की के साथ हम इस तरीके से जोड़ते हुए 2 चैन तैयार कर लेंगे। फिर से हम आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से इसे हम पीछे की तरफ जोड़ देंगे। इसके बाद हम आगे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम इसमें 4 चैन तैयार करेंगे। ये हमारा 1, 2, 3 और ये 4। अभी हमने जो 4 चैन बनाया था, ये वाला जो 4 चैन है, इसे हमें बीचों बीच यहाँ पर जोड़ना है और इसके बाद हम फिर से 3 डबल क्रोशिया 3 बार 2 चैन के साथ यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तो इसे हम इस तरीके से बीचों बीच जोड़ते हुए हम 4 चैन लगा देंगे। तो टोटल हमारा 8 चैन हो जाएगा।
इसके बाद हम वापस से हमारा जो पहला वाला टिक्की है उसमें हमें तीन बार तीन डबल क्रोशिया दो चैन के साथ तैयार करना है। अब हम दूसरा लाइन का दूसरा टिक्की को जोड़ेंगे, तो इसे हम इस तरीके से रखेंगे और फिर आठ चैन के साथ इस तरफ हम इसे जोड़ देंगे, फिर बीचों बीच हम चार चैन के साथ यहाँ पर जोड़ देंगे और इसके बाद फिर हम इस तरफ इस टिक्की को नीचे वाले टिक्की के साथ हम जोड़ देंगे, फिर से चार चैन बनाकर यहाँ पर जोड़ेंगे और फिर से हम तीन बार तीन डबल क्रोशिया दो चैन के साथ तैयार करेंगे। जिस तरीके से हम दूसरा टिक्की को यहाँ पर जोड़ेंगे उसी तरीके से हमें लास्ट तक टिक्की को जोड़ते जाना है। दूसरे लाइन में भी मैंने टोटल 11 टिक्की को जोड़ा है, तो अभी हम 8 चैन बनाने के बाद दोनों टिक्की को इस तरीके से आपस में जोड़ लेंगे। इसके बाद हम चार चैन बनाएंगे और बीच में इसे जोड़ करके फिर से हम चार चैन लगा देंगे। फिर हमें इस टिक्की को नीचे वाले इस टिक्की के साथ जोड़ना है। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा, तो पहले हम तीन डबल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं और इसके बाद हम इसे इस तरीके से पकड़ करके जोड़ लेंगे जैसे हमने पहले जोड़ा था। तो यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं। फिर से हम चार चैन बनाएंगे जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया था, तो यहाँ पर हम चार चैन बना करके बीचों बीच इसे जोड़ लेते हैं। ये हमारा चार चैन हो गया और यहाँ पर जोड़ करके हम फिर से चार चैन बनाएंगे और वापस से इस टिक्की में हम तीन बार तीन डबल क्रोशिया दो चैन के साथ बनाएंगे और फिर हम आठ चैन बना करके तीसरा टिक्की को जोड़ेंगे। बस इसी तरीके से हमें दूसरा लाइन पूरा तैयार करना है और दूसरा लाइन में भी हम 11 टिक्की को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने 8 चैन बना लिया जैसे हमने इस तरफ बनाया था, फिर हमने टिक्की को जोड़ा। तो अभी हम तीसरा टिक्की को यहाँ पर जोड़ लेंगे, तो मैं आपको पूरा दो लाइन बना करके दिखाती हूँ। लास्ट तक पूरा टिक्की तैयार हो जाने के बाद ऊपर वाला लाइन भी हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम तीन बार तीन डबल क्रोशिया दो चैन के साथ तैयार करेंगे, फिर हम आठ चैन के बीच में चार चैन करते हुए जोड़ लेंगे। तो यहाँ तक पूरा मैं आपको यहाँ तक पूरा बना करके मैं आपको दिखाती हूँ। दो लाइन हमारा अच्छे से तैयार हो गया और लास्ट में हमने आठ चैन इस तरीके से बना दिया क्योंकि अब हमें इसके ऊपर टिक्की जोड़ना है। और अभी हम पट्टी को दो भागों में बांट लेंगे,
पहले हम एक भाग तैयार करेंगे और इसके बाद हम दूसरा भाग तैयार करेंगे। तो यहाँ से हम टिक्की जोड़ना शुरू करेंगे। तो तीसरा लाइन में मैंने 5 टिक्की को जोड़ा है, तो जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो तीसरा लाइन में मैं आपको 5 टिक्की जो है जोड़ करके दिखाती हूँ। एक लाइन में मैंने कितना टिक्की रखा है सभी मैं आपको लास्ट लाइन तक बना करके दिखाऊंगी। और टोटल मैंने 11 लाइन तैयार किया है। तो इस लाइन में हम तीसरा लाइन में हम 5 टिक्की को जोड़ेंगे। तीसरा लाइन का पहला टिक्की जो है जुड़ गया। तो इसके बाद हम 4 टिक्की और जोड़ लेंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। हमारा 2 टिक्की अच्छे से जुड़ गया। अब हम 3 टिक्की जो है जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा एक भाग जो है पूरा तैयार हो गया। मैं अब आपको अच्छे से बताती हूँ। तो ये मैंने इस तरीके से तोरण पट्टी बनाया और इसके बाद हमने टिक्की जोड़ा। तो ये हमने 11-11 टिक्की का 2 लाइन बनाया। उसके बाद 5 टिक्की, उसके बाद फिर से 5 टिक्की मैंने जोड़ा। उसके बाद 4 टिक्की, फिर 4 टिक्की, उसके बाद 3, फिर 3, फिर 2, फिर 2 और लास्ट में मैंने 1 टिक्की को जोड़ा। अब हम दूसरा भाग बनाएंगे। तो दूसरा भाग में भी इस तरीके से पहले टिक्की को रख लेंगे कि कौन सा कलर का टिक्की कहाँ जाएगा, और इसके बाद इसे हम जोड़ेंगे। और जब दोनों भाग तैयार हो जाएगा तो इसके बाद हम इस तरीके से झालर बनाएंगे और इसे हम सुई की मदद से थोड़ी थोड़ी दूरी पर जोड़ते जाएंगे। जितना मन हो आप उतना झालर कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। तो पहले हम दूसरा भाग तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम झालर बनाएंगे और उसे हम जोड़ेंगे। तो ये हमारा एक भाग जो है तैयार हो गया। तो इधर जैसे हमने 5 टिक्की को जोड़ा है, तो ठीक यहाँ पर भी हम 5 टिक्की को जोड़ेंगे। तो बीच का जो है 1 टिक्की, ये वाला टिक्की को छोड़कर हम यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो पहले हम इस टिक्की को इसके साथ जोड़ेंगे। तो इसके लिए हम 3 बार 3 डबल क्रोशिया 2 चैन के साथ तैयार करेंगे। फिर हम 4 चैन तैयार करेंगे और 4 चैन के बाद हम इसे जोड़ेंगे। तो बीच वाला टिक्की को छोड़ देंगे और इसके बाद वाले टिक्की के साथ हम इसे पीछे की तरफ से इस तरीके से हम जोड़ेंगे। तो फिर से हम यहाँ पर 4 चैन लगा देंगे और फिर हम वापस से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा एक हो गया,
दो और ये तीन, और इसके बाद इसे हम इसके साथ जोड़ देंगे। तो ये हमारा एक टिक्की जुड़ गया। अब हम दूसरा वाला जो टिक्की है इसके बगल में जोड़ेंगे। तो इस लाइन में हमें 5 टिक्की जोड़ना है। तो अभी हम दूसरा वाला टिक्की को जोड़ लेते हैं और लास्ट तक मैं आपको पूरा जोड़ करके दिखाती हूँ। बीच में हमने यहाँ पर छोड़ दिया। इसके बाद हम 1, 2, 3 और फिर यहाँ पर 4, 4 ये वाला और ये 5, ये 5 टिक्की को हम जोड़ लेंगे। और इसके बाद फिर से नीचे हम 5 टिक्की को जोड़ेंगे। तो ये हमने पूरा एक लाइन बना लिया और ऊपर का भी हमने डिज़ाइन जो है बना लिया। अब हम इसे यहाँ पर जहाँ से हमने बनाना शुरू किया था यहाँ पर इसे हम जोड़ करके इसमें हम 8 चैन लगाएंगे। और इसके बाद वाला जो लाइन है उसमें हम फिर से 5 टिक्की को जोड़ देंगे। तो ये हमारा 8 चैन जो है तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से टिक्की को जोड़ेंगे और इस लाइन में हमें 5 टिक्की को जोड़ना है। इस तरीके से हम रखेंगे और इसके बाद हम जोड़ते जाएंगे। तो मैं आपको पूरा ये वाला लाइन जो है जोड़ करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है इस तरीके से तैयार हो गया। तो 2 लाइन हमने 5-5 टिक्की करते हुए तैयार कर लिया। और इसके बाद यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। और थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। तो ये हमारा 2 लाइन 5-5 टिक्की करते हुए तैयार हो गया। तो इसी तरीके से हमें लास्ट तक बनाना है। इसके बाद हम 4-4 टिक्की 2 लाइन में जोड़ेंगे, फिर 3-3 टिक्की 2 लाइन में जोड़ेंगे, फिर 2-2 टिक्की 2 लाइन में, और फिर लास्ट में हम 1 टिक्की को जोड़ेंगे। तो मैं आपको पूरा जोड़ करके दिखाती हूँ। फिर से हम टिक्की में 3 डबल क्रोशिया 2 चैन लेते हुए 3 बार बनाएंगे, फिर हम 4 चैन लेते हुए इसे हम जोड़ेंगे। तो इसे हम यहाँ पर रखेंगे और अभी हमें 4-4 टिक्की 2 लाइन में जोड़ना है। तो यहाँ से हम जोड़ना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारा किनारे का ये जो भाग है, हमने जो एक भाग तैयार किया उसका जो किनारे का भाग है, तो यहाँ पर जब हम टिक्की को जोड़ते हैं तो हम 8 चैन लेके जोड़ते हैं। और आप चाहे तो 8 चैन की जगह पर आप 2 चैन के साथ भी आप जोड़ सकते हैं, तब डिज़ाइन हमारा इस तरीके से बराबर करके दिखेगा। तो ये हमारा एक तरफ का भाग हो गया और दूसरा तरफ हमारा इस तरीके से बनेगा। और लास्ट में जब हम किनारे का डिज़ाइन बनाएंगे तो सभी जो डिज़ाइन है वो बराबर हो जाएगा। तो मैं आपको पूरा भाग जो है जोड़ करके अच्छे से दिखाती हूँ। टिक्की जोड़ने के बाद डिज़ाइन हमारा इस तरीके से दिखेगा।
और फ्रेंड्स वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको यह तोरण पट्टी इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ। इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो इसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी और साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूँगी। और अब हम तोरण पट्टी को इस तरीके से पीछे की तरफ से सुई की मदद से जोड़ते जाएंगे। तो पहले हम पट्टी और नीचे का जो झालर है दोनों को बराबर कर लेंगे, ताकि जोड़ते समय हमारा पट्टी या फिर झालर जो है बड़ा छोटा ना हो जाए। और इसके बाद हल्के हाथों से धीरे धीरे हम चैन को पकड़ते हुए जोड़ते जाएंगे। फ्रेंड्स मैंने डिज़ाइन को बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है, ताकि आप इसे कम समय में ही आसानी से तैयार कर सकें। और तोरण पट्टी का डिज़ाइन भी मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है। अगर आपको इस तरह का पट्टी नहीं लगाना है तो बस टिक्की जोड़ करके भी आप पट्टी तैयार कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही हमें धीरे धीरे करते हुए चैन को पकड़ते हुए हम जोड़ते जाएंगे, और बीच बीच में हम चेक भी करते रहेंगे, क्योंकि हमारा दोनों भाग जो है एक बराबर होना चाहिए, नहीं तो बड़ा छोटा हो सकता है। तो इस तरीके से हम पहले एक बार रख के देख लेंगे। और किनारे में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये जो डिज़ाइन है इसे मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ पर भी हम किनारे का डिज़ाइन बनाएंगे, और अगर आपको नहीं माना है तो आप नहीं भी छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन जो है छोड़ दिया है, और एक भाग मैंने तैयार कर लिया है। किनारे का भाग भी मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है, बस जितना भी जाली है सभी में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और मैंने इसमें चैन नहीं लिया है, क्योंकि डिज़ाइन जो है मेरा अच्छे से बैठ रहा है, इसीलिए मैंने चैन नहीं लिया है। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि डिज़ाइन सिकुड़ रहा है तो आप 1 या 2 चैन ले सकते हैं। तो मैं आपको दूसरे भाग का किनारा जो है बना करके दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से हमने जो किनारे में भाग छोड़ा था यहाँ पर हम ऊन को डालेंगे और यहाँ पर अच्छे से लॉक करेंगे, और जितना भी किनारे में चैन है सभी के बीच में हम बस 3 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, लास्ट तक हमें बनाना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स हमने जो 11 टिक्की जोड़ते हुए पहला लाइन तैयार किया था, तो उस लाइन का जितना लंबाई होगा उसी के हिसाब से हमें तोरण पट्टी तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने जो तोरण बनाया इसका जो लंबाई है वो लगभग 28 इंच है। तो ये देखिए किनारे पे बस हमें सभी चैन के बीच में 3-3 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। बीच में मैंने यहाँ पर चैन नहीं लिया है, अगर आपका डिज़ाइन सिकुड़ रहा है तो आप चैन ले सकते हैं। तो मैं आपको पूरा लास्ट तक बना करके दिखाती हूँ। पूरा तोरण तैयार हो जाने के बाद जितना भी हमारा ऊन है सभी को हम क्रूस की मदद से पीछे कर लेंगे जितना हो सके, और इसके बाद हम इसे अच्छे से बांध लेंगे, और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। किनारे के डिज़ाइन को हम यहाँ तक बना लेंगे, और इसके बाद हम झालर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम झालर बना लेते हैं। 4 उंगली में ऊन को हम इस तरीके से लपेटेंगे, और झालर कितना मोटा या पतला रहेगा वो आप अपने पसंद के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। आप चाहे तो 15 बार 20 बार 25 बार आप लपेट सकते हैं। तो इस तरीके से हम झालर तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने तोरण में टोटल 43 झालर लगाया है, और आप चाहे तो झालर 2-3 कलर का भी लगा सकते हैं, या फिर आप 1 कलर का भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर बस वाइट कलर से ही झालर लगाया है, और 2 झालर के बीच में कितना दूरी रहेगा या फिर कितना झालर लगाना है वो सब आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। झालर हमारा तैयार हो गया। एक झालर मैं आपको लगा करके दिखा देती हूँ। तो इसे हम यहाँ पर जहाँ भी आपको मन रहे उस हिसाब से आप लगाते जाइए। तो मैं एक झालर आपको लगा के दिखा देती हूँ। तो सुई की मदद से इसे हम
लगाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको तोरण बनाते समय समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को फिर से प्ले कीजिएगा और जहां आपको समझ में नहीं आए वहां पर आप पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि तोरण का जो वीडियो और डिज़ाइन होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और हमें कम समय में ही पूरा बताना पड़ता है। तो इसीलिए जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ पर आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। झालर हमारा अच्छे से जुड़ गया, इसी तरीके से हम बचे हुए झालर को भी जोड़ लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही खूबसूरत तोरण तैयार हो गया। आप यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि इसमें आपके पास जितना भी थोड़ा थोड़ा ऊन बचा हुआ है उसको मिला करके आप सुंदर सा तोरण तैयार कर सकते हैं, या फिर आप टेबल का कवर भी तैयार कर सकते हैं। और टेबल का कवर जो है मैंने पहले ही डिज़ाइन अपलोड कर दिया है, उसका जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी और साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूँगी। तो फिर हम मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।